उसको प्रधानमंत्री ही उत्तर देना चाहिए। एक दूसरी चीज, इसको रूल 56 में इसलिए हम लाए कि इस विषय का गंभीरता देख के ही हम रूल 56 में लाए, और इस सदन में रूल 184 का भी प्रस्ताव था हमारे प्रेमचंद्रन का, आपने फिर इसको 193 में, क्योंकि इस सदन के चीफ व्हिप वो 193 लाए थे, तो इसको डाइल्यूट करने के लिए उसको 193 में लाकर चर्चा करके उसको खत्म करना चाहते थे। तो इसीलिए हम इसको जो एडजमेंट मोशन के तहत रूल 56 के तहत ही इंसिस्ट किया, तो इस वजह से हम बार बार इसको इंसिस्ट करते रहे ताकि आप ये ना समझे और बाहर सदन के बाहर के लोगों को भी ये मालूम हो कि रूल 56 और 193 और रूल 184 में क्या फर्क है। तो वो उसके लिए इस 56 का हमने आपके सामने प्रस्ताव रखा। और दूसरी चीज, आज अब मैं आपके ये अच्छा नहीं है, आपके लोग जवाब देंगे ना, क्या हो रहा है ये, प्लीज नो, नहीं बैठे बैठे किसी को कोई बात नहीं, आप प्लीज बैठिए, अनुराग प्लीज बैठिए ना, दिस विल नॉट डू, प्लीज दिस विल नॉट डू, प्लीज प्लीज महोदय जी, ये जो मुझे बोलने का आपने मौका दिया इस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो फॉरेन मिनिस्टर जो बार बार ये कहते रहे कि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने किसी को चिट्ठी नहीं दिया, उन्हीं ने किसी को पत्र नहीं दिया, उन्हों कोई करेस्पॉन्डेंस नहीं है, जो यहां पर से एक इकोनॉमिक ऑफेंडर यहां से चले गया वो वहां पर बसा हुआ है, ये सब उनको मालूम रहते हुए भी उनकी मदद करने की पूरी पूरी उन्होंने कोशिश की, और यहां तक कि उनको ये भी मालूम था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नोटिस था और ब्लू कॉर्नर नोटिस था, अब फिर कल रेड कॉर्नर नोटिस भी उनको इश्यू करने का तय फाइनेंस डिपार्टमेंट ने किया है, ऐसा मैं पेपर में पढ़ा। तो ये सारी चीजें उनको मालूम रहते हुए भी क्यों उन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश की, ये पहला प्रश्न है। ये दूसरा प्रश्न क्या है, भारत सरकार बार बार कहने पर भी ललित मोदी फाइनेंस यानी इनकम टैक्स डायरेक्टरेट के सामने हाजिर नहीं हुए। वो हाजिर नहीं होने की वजह से उनका पासपोर्ट भी कैंसल हुआ। जब पासपोर्ट कैंसल हुआ तो हाईकोर्ट में वो पड़ा हुआ था, हाईकोर्ट उस पासपोर्ट दिलाने के लिए उनके फेवर में एक जजमेंट दिया, लेकिन ये फॉरेन अफेयर मिनिस्टर का कर्तव्य था कि अगर किसी का पासपोर्ट अगर कैंसल हुआ और वो एक इकोनॉमिक ऑफेंडर है, वो विदेश में रहता है, उसके ऊपर ब्लू कॉर्नर नोटिस है, तो क्यों आप अपील में नहीं गए, मैं पूछना चाहता हूं, आप अपील में क्यों नहीं गए, क्योंकि अगर मैं ये कहूंगा तो नाराज हो जाएंगे, लेकिन कोई हरकत नहीं है, क्योंकि
उसमें उनके घर के लोग वकील थे और वो ग्रुप में उसको मोदी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ललित मोदी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने वो केस लिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए सरकार क्यों तैयार नहीं थी, क्यों कोशिश नहीं की, ये मैं पूछना चाहता हूं। आप बहुत सी चीजें कह सकते हैं, आप अपील क्यों नहीं किए? इतना सब मालूम होते हुए भी